कि किस तरह से नैसार के गांव में एक छोटे से नियम के कारण उन्हें सम्यक रूप की प्राप्ति होती है। छोटे व्रत की महत्ता पर ही मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक नगर में संत का आगमन हुआ। प्रतिदिन प्रवचन का क्रम चलता। अनेकों लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। एक बार नगर का एक चोर वह भी उनकी प्रवचन को सुनने गया। प्रवचन को सुना और प्रवचन के पश्चात उन संत का नियम था कि वह जो भी व्यक्ति प्रवचन सुनने आता सबको कोई ना कोई एक त्याग जरूर कराते थे, कोई ना कोई एक नियम जरूर दिलाते थे। जब उस चोर का नंबर आया तो संत ने उससे भी कहा कि भाई तुम कुछ नियम स्वीकार करो, बताओ क्या नियम लेना चाहोगे। उसने कहा महाराज मैं चोर हूँ, अब आपसे क्या छिपाऊँ, आप तो संत हो, मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं कोई भी नियम नहीं लेना चाहता। तब उस संत ने कहा पहले तो उसे बहुत समझाया, चोरी के कहा इतना बुरा कार्य तुम करते हो इसे छोड़ दो, लेकिन मैं छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तो संत ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम झूठ बोलने का त्याग ले लो कि कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। उसने कहा महाराज यह तो मेरे लिए सबसे कठिन कार्य है, चोरी करता हूँ तो फिर मैं झूठ का त्याग कैसे दे लूँ। पर संत ने जब बहुत आग्रह किया तो उसने वह नियम स्वीकार कर लिया। वह फिर से अपने घर आ गया। कुछ दिन बीते, एक दिन उसके मन में आया क्यों ना मैं राजमहल में चोरी करूं, काफी बड़ा माल हाथ में आ जाएगा और कई दिनों तक चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं राजमहल को चोरी करने निकला। रात का समय, इधर कुछ दिन से नगर में काफी चोरियां हो रही थी तो राजा भी अपना वेश बदलकर नगर में गश्त लगा रहा था। पुराने समय में राजा भी नगर में वेश बदलकर घूमते थे, नगर का हालचाल जानते थे। तो रात्रि का समय इधर से राजा आ रहा था और इधर से चोर राजमहल चोरी करने जा रहा था। जैसे ही दोनों का मिलन हुआ राजा ने सोचा अरे इतनी रात का समय, आधी रात हो रही है, यह कौन व्यक्ति इस तरह से घूम रहा है और कहाँ जा रहा है, पता करना चाहिए। राजा ने पूछा अरे तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। वह व्यक्ति पहचान नहीं सका कि राजा है, क्योंकि राजा ने वेश बदला हुआ था। उसने कहा, एक बार तो सोचा कि कैसे कहूँ पर सच कहना था। उसने कहा मैं चोर और चोरी करने जा रहा हूँ। तो राजा ने सोचा अरे ये व्यक्ति ऐसे कैसे कह रहा है। राजा ने कहा अच्छा तुम चोर हो तो कहाँ पे चोरी करने जा रहे हो। उसने कहा मैं राजमहल में चोरी करने जा रहा हूँ। राजा ने सोचा जरूर कोई पागल व्यक्ति है जो इस तरह से कह रहा है। राजा ने उसे छोड़ दिया। इधर चोर राजमहल पहुंचा, सेंट लगाकर अंदर पहुंचा। भाग्य का भाग्य उसके साथ था, प्रहरी सारे सोए हुए थे। उसने आराम से कोषागार में ताला तोड़ा और अंदर जैसे ही पहुंचा उसकी आंखें चिंगा गई। चारों तरफ सोना ही सोना, रत्न बिखरे पड़े थे, हीरे जवाहरात मोती रत्नों की मालाएं हर तरफ बिखरी पड़ी थी। उसे समझ नहीं आया एक बार कि मैं क्या चोरी करूँ यहाँ से। फिर भी उसने सोचा कि मुझे कोई छोटी वस्तु चुरानी चाहिए जो बहुमूल्य भी हो और ले जाने में भी आसानी हो। एक कोने में एक छोटी सी मंजूषा पड़ी थी, रेडी पड़ी थी। उसने उसे खोला, उसके अंदर चार बहुमूल्य रत्न पड़े थे। उसने चार में से तीन रत्नों को चुरा लिया और कोठरी बांधी और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। इधर राजा का भी समय हो गया, वो गश्त लगाकर वापस लौट रहा था। जब उसने देखा कि अरे यह तो वही व्यक्ति वापस मिल गया है, चलो इस पे बात कर लेते हैं। राजा ने पूछा और क्या बात है, चोरी करके आ गए। उसने कहा हाँ चोरी करके आ गया। तो पूछा क्या चुराया। उसने कहा मैंने तो तीन रत्न चुराए हैं। राजा ने सोचा लगता है पक्का ही पागल है। राजा ने फिर भी उसका पता पूछ लिया कि कहाँ पर रहते हो और उसे जाने दिया। अगले दिन जैसे ही सभा का समय हुआ, जो कोष का अधिकारी था, भंडारी था, वह जब भवन में आया, उसने महल में जब कोषागार को देखा कि ताला टूटा पड़ा है, अरे यहाँ पर तो चोरी हो गई। उसने पूरा निरीक्षण किया और देखा
दूसरा सोचा, अभी तक तो किसी को भी नहीं बताया चोरी हुई है, अगर यह एक रत्न मैं उठा लूं तो किसी को पता भी नहीं लगेगा और मेरा काम हो जाएगा। उसने वो एक बहुमूल्य रत्न जो बचा था उसे उठा लिया और तुरंत भागा भागा राजा के पास गया और कहा, राजन अलर्ट हो गया, रात को तो राजमहल में चोरी हो गई। राजा ने जब ये सुना, अरे राजमहल में चोरी, पूछा भाई क्या चोरी हुआ। उसने कहा, राजन जो चार बहुमूल्य रत्न पड़े थे वह चोरी हो गए। जैसे ही रत्नों की बात सुनी राजा को तुरंत रात की बात याद आ गई। राजा ने सोचा, एक पागल सा आदमी मुझे मिला तो था जिसने कहा था कि वह चोरी करके आया है और उसने तो कहा था कि तीन रत्न चुराए हैं। चलो, राजा को संदेह हुआ, क्या पता उसी ने चोरी की हो। राजा को पता मालूम था, तुरंत सैनिकों को भेजा और उसे बुलाया। राजमहल में उस चोर को लाया गया। राजा ने उसे पूछा, अरे क्या तुम्हें याद है रात को एक व्यक्ति मिला था और उसने तुमसे पूछा था कहाँ जा रहे हो, तो तुमने बताया था वो मैं ही हूँ और कहा, सच सच बताओ क्या तुमने राजमहल में चोरी की। चोर को तो झूठ बोलने का त्याग था। उसने कहा, हाँ राजन, मैंने रात को राजमहल में चोरी की। तो राजा ने पूछा, अच्छा तुमने यहाँ से क्या कर चुराया। उसने कहा, राजन मैंने केवल तीन रत्न चुराया और कुछ भी मैंने नहीं चुराया। मैंने सोचा इन तीन रत्नों से ही मेरा काम हो जाएगा तो और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जब राजा ने यह सुना, राजा ने कहा, क्या भरोसा तुम सच कह रहे हो, तुम झूठ भी तो बोल सकते हो, ये भंडारी कह रहा है कि चार रत्न चोरी हो गए। तब उसने कहा, राजन मैंने संतों के द्वारा नियम लिया है और मैंने उसके बाद आज से कभी भी वापस झूठ नहीं बोला, मैं सच कह रहा हूँ। अगर मुझे झूठ बोलना होता तो मैं रात को बताता नहीं कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। तब राजा को संदेह हुआ, वो न हो कहीं जो भंडारी है उसी में कोई हेरफेर की है। राजा ने उससे पूछा कि भाई एक रत्न फिर कहाँ गया, मुझे इस पर भरोसा है। उसने कहा, नहीं नहीं राजन, ये झूठ बोल रहा है, ये तो चोर है, चोर का क्या भरोसा करना। लेकिन राजा को उस पर पूरा विश्वास था। राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और सच बताओ नहीं तो अभी मैं तुम्हारी गर्दन भर से अलग कर दूंगा। तलवार लेकर वह भंडारी डर गया। उसने कहा, राजन एक रत्न पड़ा था वह मैंने चुरा लिया। मैंने सोचा किसी को क्या पता लगेगा तो फिर मेरा काम भी हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ और मेरे दिमाग में नहीं आया और मैंने उसकी चोरी कर ली। जब राजा ने सारी बात जानी, सारा घटनाक्रम देखा, राजा के मन में आया कि अरे यह कोष अधिकारी था, इतना धनी था, संपन्न था, फिर भी इसके मन में नियम में इतनी खोट आ गई और यह चोर निर्धन होते हुए भी नियम का पालन करता है और सच बोलता है। राजा ने तुरंत कोष अधिकारी को तो जेल में भिजवा दिया और उस चोर को उस कोष अधिकारी की जगह नियुक्त कर दिया और कहा, आज के बाद तुम्हें तुम्हारी गरीबी मिल जाएगी, निर्धनता नहीं रहेगी, तो तुम चोरी ही मत करना, मैं तुम्हारी सत्यता से बहुत प्रभावित हूँ, अब तुम्हें किसी भी